नमस्कार, आज का हमारा अध्ययन का विषय है BA सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत रीतिकाल। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा भाग है। रीतिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास के चार भाग हुए, आदिकाल, दूसरा भाग भक्तिकाल, तीसरा भाग रीतिकाल, चौथा भाग आधुनिक काल। तो आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे भाग रीतिकाल के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो तीसरा भाग है रीतिकाल, उसकी सबसे पहले हम देखते हैं समय सीमा। तो रीतिकाल की समय सीमा है संवत 1700 से संवत 1900 तक का समय रीतिकाल की समय सीमा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो समय है वो रीतिकाल के अंतर्गत आता है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में यह समय सीमा रीतिकाल की समय सीमा कहलाई, और इस समय का जो साहित्य है वो रीतिकालीन साहित्य है। रीतिकाल के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे तो वो देखते हैं। रीतिकाल के अंतर्गत जो अध्ययन योग्य बिंदु हैं वो हैं रीति शब्द का अर्थ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रमुख काव्य धाराएं एवं कवि, रीतिकाल के प्रवर्तक, रीतिकाल की परिस्थितियां और रीतिकाल की प्रवृत्तियां जिन्हें की रीतिकालीन विशेषताएं भी कहा जाता है। तो ये हमारे अध्ययन के बिंदु हैं, रीति शब्द का अर्थ, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की काव्य धाराएं वे प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रवर्तक और रीतिकाल की परिस्थितियां वे प्रवृत्तियां। तो आज की कक्षा में हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले रीति शब्द का अर्थ, इसके बारे में हम जानेंगे रीति शब्द का अर्थ। तो आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा के रूप में रीति संप्रदाय को स्थापित किया। रीतिकाल से ही पूर्व वामन ने काव्य की आत्मा के रूप में रीति संप्रदाय की स्थापना की। रीति को इन्होंने काव्य की आत्मा माना और एक संप्रदाय के रूप में इसे स्वीकार किया, और वामन ने रीति शब्द का अर्थ रीति संप्रदाय के अंतर्गत काव्य की आत्मा के अंतर्गत माना है। पथ, मार्ग, विधि, गली, रास्ता, और इनके अनुसार काव्य को लिखने का एक विशेष ढंग, एक विशेष पद्धति, एक विशेष तरीका ही रीति है। आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है और उन्होंने इसे संप्रदाय के रूप में स्थापित किया। उन्होंने रीति शब्द का अर्थ माना पथ, मार्ग, विधि, गली, रास्ता आदि, और उन्होंने कहा कि काव्य को लिखने का एक विशेष ढंग, एक विशेष तरीका, एक विशेष पद्धति रीति है। तो ये तो था वामन के अनुसार रीति शब्द का अर्थ, परंतु रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ जो वामन के शास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो रीतिकाल में रीति शब्द का क्या अर्थ है, आइए देखते हैं। रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण। रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण। अब ये काव्यांग निरूपण क्या है, इसे समझते हैं। काव्यांग निरूपण से तात्पर्य है काव्य के अंगों का निरूपण। काव्यांग निरूपण अर्थात काव्य के अंगों का निरूपण करना। काव्य के अंग जैसे छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद आदि, ये जो काव्य के अंग हैं, ये तत्व हैं जिन ग्रंथों में मिलते हैं, जिन ग्रंथों में ये पाए जाते हैं, जिन ग्रंथों में ये दिए होते हैं, वह ग्रंथ कहलाते हैं रीति निरूपक ग्रंथ। और रीतिकाल का नामकरण इन्हीं रीति निरूपक ग्रंथों के आधार पर किया गया है। तो ये है काव्यांग निरूपण, काव्य के जो अंग हैं छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद आदि, इनका निरूपण करना,
ये जिस काव्य में दिए गए हैं, जिस काव्य में होते हैं, वो काव्य कहलाता है रीति निरूपक ग्रंथ, और रीतिकाल का नामकरण भी इसी के आधार पर है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्यांग निरूपण, जो कि वामन के शास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल ही भिन्न है। वामन ने रीति शब्द का अर्थ माना पथ, मार्ग, विधि, गली, रास्ता, काव्य को लिखने का एक विशेष ढंग, एक विशेष तरीका, एक विशेष पद्धति, जबकि रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ है काव्य के जो अंग हैं छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद, इनका निरूपण। जिस काव्य में ये मिलते हैं, जिस काव्य में ये दिए जाते हैं, वो रीति निरूपक काव्य कहलाता है, रीति निरूपक ग्रंथ कहलाता है, और उसी के आधार पर नाम पड़ा रीतिकाल। इस प्रकार से रीतिकाल में जो रीति शब्द का अर्थ है वामन के शास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल भिन्न होते हुए है काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण। तो ये था रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ। रीतिकाल में रीति शब्द का अर्थ हमने पढ़ा। इसके बाद हम देखते हैं रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल के नामकरण का यहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रीतिकाल के नामकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने भिन्न भिन्न मत रहे। सभी ने अपने अपने मतानुसार रीतिकाल का नामकरण किया। तो विभिन्न विद्वानों के रीतिकाल के संबंध में, विभिन्न आचार्यों के रीतिकाल के संबंध में क्या मत रहे, क्या धारणा रही, उन्होंने रीतिकाल को क्या नाम दिया, तो अब इसका हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जॉर्ज क्रियर्सन का नाम देखते हैं हम। जॉर्ज क्रियर्सन ने रीतिकाल के लिए रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज क्रियर्सन का ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके अंतर्गत इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 11 भागों में विभाजित किया, उन्हीं के अंतर्गत एक भाग आता है रीति काव्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सबसे पहले रीतिकाल के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में जो रीति नाम का प्रयोग किया है, वो किया है जॉर्ज क्रियर्सन ने, और उन्होंने रीतिकाल को कहा रीति काव्य। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार रीतिकाल शब्द का अर्थ है रीति काव्य। उसके बाद मिश्र बंधु ने इसे कहा अलंकृत काल। अलंकारों की प्रधानता को देखकर, अलंकारों के बाहुल्य को देखकर मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा से अभिहित किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम अगला नाम देखते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार रीतिकाल का नामकरण है श्रृंगार काल। उन्होंने इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता को देखते हुए, उन्होंने काव्य में श्रृंगार रस को अधिक देखा, अधिक अनुभूत किया, तो उसके आधार पर इन्होंने कहा इसे श्रृंगार काल। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसके कला पक्ष के बाहुल्य को देखते हुए इसे कला पक्ष कहा। और अंत में देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल की तो संज्ञा दी ही, साथ में उन्होंने इसे उत्तर मध्य काल भी कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले 3 विभाजन किए थे, आदिकाल जिसे कि वीरगाथा काल कहा इन्होंने, मध्यकाल और आधुनिक काल। आगे जाकर इन्होंने इन्हीं 3 भागों को 4 भागों में विभक्त कर दिया। मध्यकाल की इन्होंने 2 शाखाएं बनाई, जिसे कि कहा गया पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल कहलाया और उत्तर मध्यकाल रीतिकाल कहलाया। और इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल के साथ साथ उत्तर मध्यकाल भी कहा। तो ये था रीतिकाल का नामकरण। जॉर्ज क्रियर्सन ने इसे रीति काव्य कहा, मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल व उत्तर मध्यकाल की संज्ञा प्रदान की इसे। जॉर्ज क्रियर्सन ने इसे
रीति कावे कहा सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया। उसके बाद मिश्र बंधु ने अलंकारों के बाहुल्य के कारण इसे अलंकृत काल कहा और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर इसे श्रृंगार काल कहा। तो श्रृंगार काल, इस काल में श्रृंगार और वीर, उनके अनुसार, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार, रीति काल में श्रृंगार और वीर दोनों ही रसों की कविताएं लिखी गई थी, परंतु काव्य में जो प्रधानता थी जिस रस की, वो रस था श्रृंगार रस। काव्य में प्रधानता श्रृंगार रस की रही, इससे इसी आधार पर इस काल को इन्होंने श्रृंगार काल कहा। अर्थात श्रृंगार की प्रवृत्ति जो थी उस समय के समाज की, उस समय के वातावरण की, उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति थी, तो इसी के आधार पर ये काल श्रृंगार काल कहलाया। उसके बाद डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल के अनुसार रीति काल में, अर्थात इस काल में, काव्य में कला पक्ष का जितना अधिक उत्कर्ष दिखाई देता है, उतना पहले कभी भी नहीं हुआ, उतना इस काल से पहले किसी काल में नहीं हुआ। इस काल में कला पक्ष का अत्यंत उत्कर्ष रूप दिखाई देता है, अत्यंत उत्कर्ष रूप सामने आया। इसी के आधार पर, कला पक्ष के आधार पर उन्होंने इस काल का नामकरण कलाकाल कर दिया। तो ये था रीतिकाल का नामकरण, जिसे भिन्न भिन्न अलग अलग आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार स्वीकार किया। जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान ग्रंथ के रचयिता हैं, उन्होंने अपने 11 भागों में रीतिकाल के लिए सबसे पहले रीति काव्य शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रीति काल के लिए सबसे पहले जो रीति शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले जो रीति शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, तो वो हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के तीसरे काल रीति काल को रीति काव्य कहा। उसके बाद मिश्र बंधु ने अलंकारों के बाहुल्य को देखते हुए इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस समय के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता देखी, श्रृंगार रस की अधिकता देखी, और उन्होंने स्वीकार किया कि उस समय के समाज का की प्रवृत्ति, उस समय के साहित्य की प्रवृत्ति, उस समय के वातावरण की प्रवृत्ति श्रृंगार ही थी। तो इस आधार पे इन्होंने उसे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल माना। और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा कि इस काल में, अर्थात रीति काल में, काव्य के कला पक्ष का जितना अधिक उत्कर्ष हुआ, उससे पहले कभी भी नहीं हुआ। तो ये काव्य के कला पक्ष के उत्कर्ष का काल था, तो इस आधार पे इन्होंने इसे कलाकाल कहा। और डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीति काल कहा, उत्तर मध्य काल कहा। इसे दो नाम दिए, मध्य काल की इन्होंने दो शाखाएं की, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। और पूर्व मध्य काल के अंतर्गत इन्होंने रखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा भक्ति काल को, और उत्तर मध्य काल के अंतर्गत इन्होंने रखा रीति काल को। तो आज हमने पढ़ा रीति काल के अंतर्गत रीति शब्द का अर्थ और रीति काल का नामकरण। धन्यवाद।